नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान यास के बारे में। यास को लेकर पूरे बिहार राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों को ये नसीहत दी है कि वो अपने घरों में ही रहें। फिलहाल कोरोना का भी दौर है, तो ऐसे में इस चक्रवाती तूफान का कितना बड़ा प्रभाव बिहार पर पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि जैसी जानकारी मिल रही है, पश्चिम बंगाल के तट से अब कुछ ही घंटों में यास तूफान जो है वो टकराएगा, जिसके बाद वो तूफान जो है अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार और झारखंड की ओर बढ़ेगा, जिसका असर अब आप देख भी सकते होंगे। बिहार के कई ज़िलों में कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो सुबह से ही बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू है, हवाएं जो हैं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। और इसको लेकर मौसम विभाग हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग हो, इन सभी ने पूरे राज्य में अलर्ट कर दिया है। कई ज़िलों में जो कह सकें हवाएं हैं काफ़ी तेज़ी से चलेंगी। अगर हम इसके साथ ही कोसी सीमांचल की बात कर रहे हैं तो उस तरफ भी काफ़ी झमाझम बारिश होगी। राजधानी पटना में भी तेज़ी से बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि वज्रपात की भी संभावनाएं हैं। बहरहाल सुबह से छिटपुट बारिश हो रही है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं या फिर मौसम विभाग के अधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है जिसमें तैयारी की जा रही है। तमाम जो ज़िलों के डीएम और एसपी हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि इस चक्रवाती तूफान यास के आने से पहले ही जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, उस जगह के लोगों को पहले से ही सचेत करना और हर संभव प्रयास करना कि चक्रवाती तूफान के दौरान काफ़ी कम नुकसान हो। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी लहरें जो हैं काफ़ी तेज़ी से उठ रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको वहाँ की दिखा भी रहे होंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं बिहार में चक्रवाती तूफान यास कितनी तबाही मचाने वाला है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि फिलहाल कोरोना का दौर है, बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, तो आप अपने घरों में ही रहें। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, कहीं ना कहीं इन तमाम बातों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है। चक्रवाती तूफान धीरे धीरे जब बिहार की ओर बढ़ेगा तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा, वो तो खैर आगे देखा जाएगा। उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर जब ये चक्रवाती तूफान टकराएगा तो उस वक्त लगभग 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और आप समझ सकते हैं कुछ दृश्य जो हम आपको वहाँ के दिखा रहे होंगे, कुछ तस्वीरें जो हम आपको वहाँ के दिखा रहे होंगे कितनी भयावह हैं। तो ऐसे में आपसे भी उम्मीद है कि आप फिलहाल मौसम ठीक है, अपने अपने घरों में ही रहें। लॉकडाउन का भी समय है, लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें। कोरोना का भी दौर चल रहा है, तो ऐसे में चक्रवाती तूफान का बिहार पे गहरा असर पड़ने जा रहा है। बारिश खूब होगी। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती है कि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे, क्योंकि जब हवाएं तेज़ होंगी तो इस वक्त बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे में बिजली आपूर्ति भी ठीक रहे, इन तमाम बातों को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बैठक कर रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। देखते हैं बिहार पे चक्रवाती तूफान का असर जब धीरे धीरे पड़ने लगता है, उन तस्वीरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।